हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, सरगम म्यूजिक जॉन चैनल में फिर से स्वागत अभिनंदन। आशा करता हूँ परमात्मा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। तो फिर से नए लेसन के साथ नया वीडियो, और आज का ये लेसन है दोस्तों राग भैरव। आज हम हारमोनियम पर आप लोगों को सिखाएंगे। राग भैरव का जो परिचय है, इसका जो संपूर्ण विस्तार है, वो हारमोनियम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर भाई बहन हैं, उन सभी को प्यार भरा नमस्कार, और जो भी नए लोग चैनल पर जुड़ रहे हैं, सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो लेसन शुरू करते हैं राग भैरव को। राग भैरव की हम बात करें तो दोस्तों, ये थाट भैरव का राग है, और इस राग का नाम भैरव होने के कारण ये आश्रय राग, यानी कि थाट भैरव का आश्रय राग भी कहलाता है। तो इस राग के अंदर ऋषभ और धैवत कोमल स्वर का प्रयोग होता है, यानी कि रे और ध कोमल स्वर का प्रयोग किया जाता है, और इस राग में सातों स्वरों का प्रयोग होता है। तो पहले इसका आरोह अवरोह हम समझते हैं, उसके बाद इसका संपूर्ण विस्तार में राइटिंग में आपको नोटेशन वाइज समझाऊंगा, फिर से हारमोनियम पर स्लोली स्लोली समझाने की कोशिश करूंगा। तो राग भैरव, इसका आरोह अवरोह देखते हैं। मध्य सप्तक की पहली काली सी शार्प से, देखिएगा किस प्रकार से है। तो ये इसका आरोह अवरोह है। अब पहले हम इसको थोड़ा राइटिंग में समझते हैं। तो हम लिखते हैं राग भैरव, राग भैरव। थाट भैरव का राग है, आश्रय राग भी इसे बोलते हैं, और हम इसको बताने वाले हैं शी शार्प से। तो इसका जो आरोह होता है, आरोह लिखेंगे सा रे, रे कोमल, गा मा पा, धा, धा कोमल, नी और ये सा, ये सा रे कोमल गा मा पा धा नी सा आरोह, अवरोह अवरोह है फिर सा नी धा, धा कोमल पा मा गा रे, रे कोमल और ये सा। तो ये आरोह अवरोह है इसका। तो सातों स्वरों का प्रयोग होता है, तो इसकी जाति क्या होगी, जिसकी जाति होगी संपूर्ण 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 संपूर्ण। और इसका जो गायन समय है, गायन समय होता है, ये प्रातःकालीन राग है, प्रातःकाल, प्रातःकालीन हम इसे लिख देते हैं। और इसका जो टाइम है वो है 4 से 7 बजे तक, सुबह का जो टाइम होता है उस टाइम पर इस राग को गाया बजाया जाता है, प्रातःकालीन 4 से 7 बजे तक। तो इसका वादी स्वर, इसका जो वादी स्वर है वो है ध, ध कोमल धैवत, ध को धैवत बोला जाता है। और इसका संवादी स्वर, संवादी स्वर है रे, तो रे यानी रे कोमल ऋषभ,
रे को ऋषभ बोला जाता है। और अब हम इसकी पकड़ को लिखते हैं। देखिए पकड़ इसकी किस प्रकार है, पकड़ पकड़ है ग म धा 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 धा, ये कोमल है प, ग म धा धा प, ग म रे रे सा, गामा धाधा पा गामा रे रे सा, रे कोमल धाधा पा मतलब ध कोमल है, कोमल स्वर का ही प्रयोग होगा जो हमने बताया है। और फिर आगे इसका जो चलन है, इसकी चलन को भी हम लिखते हैं। चलन किस प्रकार से है, इसकी चलन जैसे है सा गा मा पा, सा गा मा पा धा धा पा, धा धा ये धा कोमल, सागा मामा धाधा पा, फिर आगे और लाइन है मा गा मा रे सा। तो ये इसकी जो पकड़ है वो है सा गा मा मा धाधा पा मा गा मा रे सा, ये पकड़ है। और ये इसका सॉरी ये चलन है, ये पकड़ है, ऊपर वाला जो पकड़ है नीचे वाला चलन है इसकी। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें राग भैरव का, देख लीजिएगा पूरा। चलिए तो अब इसको हम हारमोनियम पर स्लोली स्लोली समझते हैं, नोटेशन वाइज जिस प्रकार हमने लिखकर आपको बताया उसी प्रकार से इसको समझेंगे। देखिए तो आरो औरो कैसे है, मध्य सप्तक की पहली काली सी शार्प से हम समझते हैं, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये शुद्ध स्वर होते हैं। तो इसमें क्या हुआ है सा रे, रे कोमल, ये रे शुद्ध होता है, रे कोमल सा रे गा, गा शुद्ध होगा गा मा पा धा, धा कोमल, ये धा शुद्ध धा कोमल धा ने सा, रे और धा कोमल का प्रयोग होगा, बाकी शेष शुद्ध। वापस औरो सा ने धा पा मा गा रे सा, इसका वादी स्वर धा है तो धा पर ज्यादा ठहराव, बार बार धा प्ले होगा। और समवादी स्वर रे है तो रे पर वादी स्वर से थोड़ा कम ठहराव और थोड़ा कम बार प्ले होगा सा रे। देखिए रे पर ठहराव करेंगे तो ये कम ठहराव, वादी स्वर से कम, समवादी स्वर है सारे गा धा सा ने धा Ta-da!
अब इसकी हम चलन को समझते हैं। और दोस्तों ये राग जो है ना, इस राग को उत्तरांगवादी राग भी कहा जाता है, उत्तरांगवादी राग। तो पहले इसकी पकड़ को देखते हैं। देखिए पकड़ किस प्रकार से है। जब पकड़ की पहली लाइन है क्या है, गा मा धा धा पा, गा मा रे रे सा, इस प्रकार से इसकी पकड़ है। गा अब चलन, चलन किस प्रकार है देखिएगा। चलन की पहली लाइन सा गा मा बा धा धा अगली लाइन है मा रे सा गा मा बा धा धा पा, सा गा मा बा धा चलन है। आरो रो सारे अभ्यास करें राग भैरव का दोस्तों, और रागों का अभी आप लोग अभ्यास कीजिएगा, उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको रागों के अंदर जो भी गाने आते हैं, भजन आते हैं, उन सभी को, जितने भी मैं राग प्रोवाइड कर रहा हूं, उन सभी रागों के अंदर जो भी गाने आएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेसनों में बताने का प्रयास करूँगा। आप लोग पहले रागों का अभ्यास करें, स्वरों को समझें, रागों के स्वर किस प्रकार चल रहे हैं। अगर ये आप अभ्यास करेंगे तो हो सकता है आप खुद से भी गाना भजन बजाने लगें। रागों का अभ्यास करने से, अलंकारों का, आलापों का, थाटों का, स्केलों का अभ्यास करने से आपको जो है स्वरों की समझ होती है, और उसके बाद क्या होता है, आप लोग या हम लोग
खुद से गाना बजाना भजन बनाना सीख जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है ये बताने का। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अभ्यास कीजिएगा राग भैरव का। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग जहाँ कहीं भी हों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।